Today we are going to discuss the detailed syllabus of UGC NET paper 1, which is conducted by NTA, National Testing Agency. Yes, UGC NET ka exam National Testing Agency conduct karati hai, aur yahan pe hum first paper ka syllabus discuss karenge. Yes friends, ye video Hindi and English dono mein hoga, because first paper is compulsory for all students who are appearing UGC NET exams. Yes, so let's begin. फ्रेंड्स, यू जी सी नेट पेपर फर्स्ट इज डिवाइडेड इंटू 10 यूनिट्स. यस, ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड. यस, शैक्षिक योग्यता, जिसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, लेवल्स हैं ऑफ टीचिंग, मेमोरी, इसमें सब जो टॉपिक्स हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट्स एंड एडल्ट लर्नर्स, जो सीखने वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. यस, जो उच्च कक्षाएं होती हैं, जो योग्यता होती हैं, वहाँ पे किस तरीके से इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें क्या मेथड्स होता है टीचिंग का, दैट इज ऑल्सो आस्क इन टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन. टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ITC बेस्ड, क्या किस तरीके के सपोर्ट सिस्टम है योग्यता शिक्षण को करने के लिए, जो ट्रेडिशनल, पुराने, जो मॉडर्न एंड ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड वेस्ट जो चीजें हैं. इवेल्युएशन सिस्टम, मूल्यांकन क्या प्रणाली है, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, एवोल्यूशन इन चॉइसेस बेस्ड, ये जो इसके सब टॉपिक्स हैं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं. सेकेंड यूनिट वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड. यस, शोध योग्यता से रिलेटेड है. इसके सब टॉपिक्स जो इसमें पूछे जाते हैं वो रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड ऑल्सो मेथड्स ऑफ रिसर्च, शोध के क्या क्या चरण होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, ये सब टॉपिक्स में आप इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे, मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूंगी. स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यस, शोध के क्या चरण हैं वो भी इसमें होंगे, क्या विधियाँ हैं, थीसिस एंड आर्टिकल्स ऑफ राइटिंग, किस तरीके से पेपर, लेख, ये सब होता है रिसर्च एप्टीट्यूड में, वो यहाँ पे बताया गया है. एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड ऑल्सो रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से इसके सब टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यूनिट थर्ड वी हैव कॉम्प्रिहेंशन. यस फ्रेंड्स, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिलेटेड, जिसमें आपका पैसेज होगा, पैसेज आप पढ़ करके उसके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसके आंसर आप देते हो. इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. यूनिट फोर्थ वी हैव कम्युनिकेशन. यस, संवाद से रिलेटेड है. कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपके प्रकार क्या है कम्युनिकेशन के, किस तरीके, क्या अर्थ है, ये पूछा जाता है. एंड ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो प्रभावी संवाद है वो, नॉन वर्बल, वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं. बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो एक प्रभावी कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या अवरोध होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. मास मीडिया एंड सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट यूनिट वी हैव यूनिट नंबर फिफ्थ, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. यस, यहाँ पे गणितीय रीजनिंग और योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जो मैथमेटिकल टाइप्स ऑफ रीजनिंग है वो होता है. नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोड्स, रिलेशनशिप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यस, जो आपका गणितीय योग्यता है उससे फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होते हैं, अंडर जो क्लास 10th के लेवल तक के होते हैं, बहुत ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एवरी सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस पेपर को उनको क्लियर करना होता है, एंड दिस पेपर इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई जो क्वेश्चंस का लेवल इस मैथमेटिकल रीजनिंग में होगा वो बहुत ज्यादा हायर लेवल के नहीं होते हैं, बट द सिलेबस इज वास्ट, इसका जो सिलेबस है वो वास्ट है. सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो टॉपिक थोड़े इजी हैं उनको आप जल्दी पढ़ लीजिए, उनको आप थोड़ा रिपीट करिए, बट जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं लाइक रिसर्च से रिलेटेड या डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एंड ICT से रिलेटेड, दे आर डिफिकल्ट टॉपिक, सो उनको आप दो तीन बार नेट से भी आप सर्च कर सकते हो जो कंटेंट होते हैं, एंड जो कंटेंट है, मटेरियल है मार्केट में अवेलेबल, आप वहां से भी उसको परचेज करके
फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6। एंड फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 6 भी है लॉजिकल रीजनिंग। यस, तार्किक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे जाते हैं। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यस, तर्क की संरचना क्या होती है उसको समझना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, मूड, फिगर, फॉर्मल, इनफॉर्मल फैलेसीज, यूज ऑफ लैंग्वेजेस, ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। इवेल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, विवेचनात्मक और निगमनात्मक, इसको जो हिंदी में बोलते हैं, वो रीजनिंग से रिलेटेड तारकों का मूल्यांकन, उसको क्वेश्चंस होंगे इसमें। एनोलॉजीज जो आपका होता है, वर्बल डायग्राम, वर्बल एनोलॉजी से होगा। लॉजिक, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, एंड ऑल्सो पैरामनस, प्रत्यक्ष जब परसेप्शन, अनुमान, इन्फरेंस एंड उपमान, कंपेरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, इन सबसे क्वेश्चंस यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाता है। और स्ट्रक्चरल एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, लॉजिकल रीजनिंग के ये सब टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, विच इज यूनिट नंबर 7। यस, डेटा इंटरप्रिटेशन से जो सब टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, वो सोर्सेज, एक्विजिशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मींस स्रोत, डेटा का अधिग्रहण और व्याख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, विच इज गुणात्मक एंड मात्रात्मक, जो डेटा आंकड़े होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आंकड़ों का ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, निरूपण होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं, जो डेटा के आंकड़े होते हैं उससे रिलेटेड। एंड डेटा एंड गवर्नेंस, इससे आपके क्वेश्चंस होंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये क्वेश्चन जरूर आपका नेट एग्जाम में पूछा जाता है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन से बार चार्ट या आपके पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इन सब से एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो इसको आप जरूर प्रिपेयर करिए, ये सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव सेक्शन यूनिट नंबर 8, विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच इज नोन एज ICT। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ICT जनरल एंड एब्रिवेशंस एंड टर्मिनोलॉजी जो आपका है, इसमें इसकी अर्थ क्या है, लाभ, हानि, संक्षेप, सामान्य संक्षेप, शब्दावली जो कंप्यूटर के फील्ड में है, कंप्यूटर के सिलेबस में होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, यस, इंटरनेट के जो बेसिक्स है, मूल जानकारियां हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो लेक्चर देना, जैसे मैं आपको दे रही हूँ अभी थ्रू ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो लेक्चर के थ्रू। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, जो डिजिटल उसकी है, किस तरीके से हायर एजुकेशन में ICT का इम्पोर्टेंस है, दैट इज क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। ICT एंड गवर्नेंस, दिस सेक्शन इज इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच इज यूनिट नंबर 8। एंड यूनिट नंबर 9 वी हैव पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, यहाँ पे है लोग, जो समाज है, पर्यावरण और विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसमें आपका मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें आपका पूछा जाता है। ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, किस तरीके से ह्यूमन और संपर्क है लोगों का, पर्यावरण का परस्पर क्या संपर्क है, वो पूछा जाता है क्वेश्चन, उससे पूछा जाता है। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे आपके लोकल रीजन में, रीजनल आपके आसपास, एंड ऑल्सो ग्लोबली क्या क्या इश्यूज हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड लिक्विड एंड बायोमेडिकल, दीज क्वेश्चन आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल इश्यूज। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यस, पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे या ह्यूमन के हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, दैट इज दिस सब टॉपिक ऑफ द यूनिट नंबर 9।
नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, क्या प्राकृतिक और ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, जैसे सोलर है, विंड है, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये जो नेचुरल एंड ऊर्जा स्रोत हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, नेचुरल जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं वहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 में हुआ है, उसमें एक्शन प्लान किस तरीके, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या क्या बातें हुई हैं, एफर्ट्स, मॉनिटरिंग, समिट्स, कन्वेंशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, नेशनल सोलर अलायंस, ये जो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो समिट्स जो भी हुए हैं, एनवायरमेंटल समिट्स, वो क्वेश्चन आप जो करंट में अभी हुए हैं उनको आप जरूर एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट्स के सेक्शन में। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 की, एंड दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ द पेपर फर्स्ट ऑफ यूजीसी नेट। फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 10 वी हैव द हायर एजुकेशन सिस्टम। यस, उच्च शिक्षा प्रणाली इंडिया में क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे जाते हैं, और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आपके जो पॉलिसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, या जो आपके स्टार्टिंग में पॉलिसीज हुई हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपका जो होगा क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है इसका। हायर एजुकेशन के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यस, यहाँ पे भारत में उच्च शिक्षा के क्या क्षेत्र है, एंड एजुकेशन इन एंशंट इंडिया, जो प्राचीन भारत में क्या किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में बात होती है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यस, हायर लर्निंग का किस तरीके से, एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, किस तरीके से विकास हुआ है, और रिसर्च अनुसंधान का इंडिया में किस तरीके से विकास किया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद, उस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, किस तरीके से औपचारिक एंड जो प्राचीन शिक्षक प्रणाली है, जो आपके कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, वो क्वेश्चन होंगे। प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यस, जो इस टाइम के पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यूनिट 10 में पूछे जाएंगे जो हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है वो पीजी स्टूडेंट, जो आपने मास्टर्स की डिग्री या तो लास्ट ईयर में हो या तो कंप्लीट कर चुका हो, वो दे सकता है। तो इससे इसमें जो क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं तो वो हायर एजुकेशन से पूछे जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप नोट कर देख लीजिएगा, दैट नोट में आपको क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। यस फ्रेंड्स, जो 10 आपके मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर से आता है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके ईच सेक्शन से आएगा, तो आप कोई किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और सभी सेक्शन से जो आपके होंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर किसी भी यूनिट से आपका वो मिलेगा। तो सभी सेक्शन को आप ध्यान से पढ़िए, एंड प्लीज डू योर बेस्ट for the preparation of UGC NET exam. Thank you very much for watching this.